भलस्यावर राम चंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गंगा अवंद हो, गंगा अवंद हो। भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्य काय किरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गने हुकुम केम ते अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ मकर राशि वालों के लिए 15 जनवरी से लेकर के यानी कि 14 जनवरी के रात 8:57 से लेकर के 13 फरवरी तक की कहानी क्या है, आपके लिए ये समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया किस मामले में खराब रहेगा, आज के इस वीडियो में हम इसको जानेंगे। देवी और सज्जनों, मेरे वीडियो को मैं जानता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन भीम सभी धर्म के लोग सभी पंथ के लोग देखते हैं। देवी और सज्जनों, ये जो हमारा सनातन धर्म है, ये जो हमारा सनातन है, ये कहता है कि धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अर्थात ये कहता है कि धर्म की जय हो, ये नहीं कहता कि सनातन धर्म की जय हो, जो हिंदू हैं जो धर्म के पथ पर में हिंदू चलते हैं उनकी जय हो। इसकी महानता देखिएगा, ये नहीं कहता, ये कहता है कि धर्म की जय हो। अर्थात जो हिंदू है जो धर्म के पथ पर चल रहा है उसकी भी जय हो, जो मुसलमान है धर्म के पथ पर चल रहा है उसकी भी जय हो, जो सिख है ईसाई है धर्म के पथ पर चल रहा है, जो बौद्ध है जैन है धर्म के पथ पर चल रहा है, उन सभी की जय हो। ऐसा मानना, ऐसा कहना सिर्फ सनातन धर्म में ही है। दूसरे धर्म में तो कहते हैं कि कुफ्र है, और क्या क्या कहते हैं कि ये सब है वो सब है। देखिए इस्लाम धर्म की नकारात्मकता तो देखिए, कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति किसी महिला के साथ विवाह कर लेता है और वो व्यक्ति किसी कारणवश गुस्से में आकर के ये कह देता है कि तलाक तलाक तलाक, अथवा तो उसकी शादी टूट गई, अथवा वो एक सही तरीके से ही शादी को तोड़ता है, ठीक है, कोर्ट के प्रोसीजर से ही, मौलानाओं के प्रोसीजर से ही अगर वो शादी को तोड़ता है, और फिर अगर वो व्यक्ति उसी महिला से विवाह करना चाहता है, इस इस्लाम धर्म की निर्दयता तो देखिए उस महिला के प्रति। वो इस्लाम कहता है कि उस महिला को अगर फिर से इस व्यक्ति से विवाह करना है तो उसको किसी और गैर मर्द के साथ रात बितानी होगी, उसको हलाला कहते हैं, उस महिला को हलाल कर दिया गया बकरे की तरह,
उसके दामन को लूट लिया गया, उसकी इज्जत खत्म कर दी गई। ये कैसा धर्म, ये कैसी क्रूरता महिलाओं के प्रति। इसलिए मैं कहता हूं कि हे इस्लाम धर्म के महिलाओं, हे ऐसे पुरुष जो चाहते हो कि उस धर्म में रहने वाले महिलाओं के साथ अन्याय ना हो, उन सभी को आप हिंदू सनातन धर्म जो है यहां पर में ले आइए, यहां पे सुरक्षित हैं वो, यहां पर में आपके लिए हरेक प्रकार की व्यवस्था है। आप सही पर में अपने मूल पथ में आ जाएंगे। आपका जो मूल है, बाप दादा परदादा उनके पूर्वज जो भी यहां से धर्म परिवर्तन करके वहां पर गए होंगे किसी कारणवश, किसी मजबूरी बस, उनके आत्मा को, आपके पूर्वजों को बहुत शांति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि आप खुद सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि धर्म की जय हो। कहते हैं विश्व का कल्याण हो, भारत का सिर्फ नहीं, विश्व का। उसमें हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी आता है, उसकी भी जय कहते हैं। चीन भी आता है, उसकी भी कहते हैं। सबकी जय हो, ऐसा कौन है कहने वाला सनातन के अलावा? कोई नहीं। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो इस बात को कंफर्म करें कि आपकी राशि मकर है या नहीं। अगर आप मूल जन्म कुंडली की बात करेंगे कि आपकी जन्म राशि मकर है या नहीं, तो आपको करना क्या है कि इसी प्रकार से आपकी कुंडली होगी जो बनी हुई होगी, उसमें देखना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ भी 10 लिखा हुआ है, क्या वहाँ पर में चंद्रमा लिखा हुआ है? क्या चंद्रमा है वहाँ, अथवा चंद्र लिखा हुआ है, या 14 करके शून्य दिया हुआ है? अगर ऐसा है तो आपकी राशि मकर हुई। देवी और सज्जनों, अगर ऐसा नहीं है, जहां 10 है वहां पर में चंद्र नहीं लिखा हुआ है, तो आपकी राशि मकर है या नहीं उसको जांचने का एक और तरीका है। वो तरीका यह है कि आपके नाम का पहला अक्षर अगर भो है, जैसे कि भो से भोजराज, भोज, तो आपकी राशि मकर हुई। अगर आपके नाम का पहला अक्षर ज है, ज से जनार्दन, तो आपकी राशि मकर हुई। अगर आपके नाम का पहला अक्षर जी है, जी से जितेंद्र, तो आपकी राशि मकर हुई। अगर आपके नाम का पहला अक्षर खी है, खी से, जैसे खीर होता है, जैसे अगर आपके नाम का पहला अक्षर खू है, खू से खुशबू होता है, जैसे आपके नाम का पहला अक्षर खा है, खा से खास मोरा, जैसे खो है, खो से खोसला, जैसे ग से गणप, जैसे गी, गी से गीता, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका भो जा जी खी खू खा खो गा गी, इसमें से किसी भी अक्षर से नाम शुरू होता है, तो आपकी राशि मकर है। देवी और सज्जनों, आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि ये 15 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक की कहानी क्या है। आखिर कुंडली के प्रथम भाव में सूर्यदेव के बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि मकर राशि वाले जातक को कुछ धन के हानि का योग बन रहा है और कुछ धन के नाश का योग बन रहा है। आप कहेंगे कि धन हानि क्या और धन का नाश क्या, दोनों तो एक ही बात हुई। नहीं, धन की जो हानि हुई उसकी पूर्ति हो सकती है, लेकिन जिस चीज का नाश हो गया उसकी पूर्ति नहीं होगी।
इसलिए आपके कुछ पैसे इस प्रकार से जा सकते हैं जो वापस लौट करके कभी नहीं आएंगे। ऐसा ना हो इसके लिए आप तैयार रहें। देवी और सज्जनों, इस समय में सूर्यदेव के प्रथम भाव में बैठने के कारण मकर राशि वालों के लिए मान सम्मान में भी कुछ कमी के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा में भी आप कुछ कमी अनुभव करेंगे। वो कमी आपको चाहे अपने परिवार के तरफ से हो, समाज के तरफ से हो, अथवा आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहां के तरफ से हो, जहां के तरफ से भी हो, ऐसा होगा। आपको बच करके चलने की आवश्यकता है। आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा इसकी आप तैयारी करें, क्योंकि सूर्यदेव ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं जिसके कारण से आपका स्वास्थ्य, आपको हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू आने की भी प्रबल संभावना है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में बीपी की शिकायत आपको हो सकती है, ब्लड प्रेशर बीपी की शिकायत आपको हो सकती है। बीपी आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। हृदय रोग जिस व्यक्ति को है उसको ज्यादा परेशानी हो सकती है। थकावट परेशान कर सकता है। उदर विकार यानी कि पेट से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। जिस व्यक्ति को आंख की पीड़ा है, आंख से संबंधित परेशानी है, उसको भी महर्षि संभल कर रहने की सलाह देते हैं। देवी और सज्जनों, इसलिए स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा, बीपी कैसे हाई और लो ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। हृदय पर में किसी के बातों को ना ले, विशेष ध्यान रखें। पेट से संबंधित विकार के लिए भोजन ऐसा ना करें जो आपको पेट का विकार दे, उसका विशेष ध्यान रखें। देवी और सज्जनों, इस समय में आशंका है कि आपके कार्य में विलंब हो सकती है। आप जिस कार्य को भी करने का प्रयास करेंगे, होगा ऐसा कि वो कार्य अपने आप विलंब होता चला जाएगा। ऐसा एक या दो बार नहीं होगा, इसमें 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच में ऐसा कई बार होगा। महर्षि का कहना है कि समय में समय पर भोजन बहुत कम मिलेगा। जो टाइमिंग है जिस समय पर भोजन होना चाहिए वो बहुत कम होगा। अब कैसे ये परेशानी उत्पन्न ना हो, इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं, बिना उद्देश्य के, बिना किसी कारण के आपको भटकना पड़ सकता है। आपको कहते हैं ना, बिना मतलब का भटक रहा है, बिना मतलब का कहीं से कहीं घूम रहा है ये व्यक्ति, और ऐसी स्थिति आपके साथ भी आ सकती है। आप बिना मतलब के भटकते रहेंगे मंजिल की तलाश में, लेकिन वो मंजिल कहाँ है ये आपको समझ नहीं आएगी। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको अपने परिवार से दूर होना पड़ सकता है। आपको अपने परिवार के
सदस्यों से दूर होना पड़ सकता है। आप अगर रह रहे हैं इंडिया में, आप अगर रह रहे हैं हिंदुस्तान में, तो आपको चीन जाना पड़ सकता है। आप अगर रह रहे हैं दिल्ली में, तो आपको राजस्थान जाना पड़ सकता है। हो सकता है आप अपने शहर को छोड़कर के किसी दूसरे शहर में चले जाएं, ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि संबंधियों, मित्रों और सज्जनों से विवाद होने के कारण मानसिक व्यथा के शिकार भी हो सकते हैं। अर्थात जो आपके सगे संबंधी हैं, उनके साथ किसी बातों पर में आप सूर्य के प्रथम भाव में बैठने के कारण विवाद कर सकते हैं। आप उनके साथ किसी बातों पर में बहस कर सकते हैं। आपका जो दोस्त है वो आपका साथ नहीं दे सकता है। हो सकता है कुछ सज्जन लोगों के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जाए, आपको कुछ नुकसान पहुंचाया जाए, कुछ ऐसी बातें बोल दिया जाए जो आपके दुख का कारण बन सकता है। वो देवी और सज्जनों, तो प्रयास आपको ये रखना चाहिए कि उनके बातों को दिल पर में ना लें तो ज़्यादा बढ़िया है। कुंडली के प्रथम भाव में सूर्यदेव बैठे हैं। प्रथम भाव आपके शरीर का होता है, शारीरिक तौर पर में ये आपको कमजोर करने का प्रयास करेंगे। आप योग के जरिए, व्यायाम के जरिए, एक्सरसाइज के जरिए अपने शरीर को मजबूत बना के रखें। ये आपके रंग को, रूप को थोड़ा सा इस समय में डाउन कर ही देंगे। आप कितना भी पाउडर, क्रीम, मेकअप लगा लें, ये आपके रंग को कुछ डाउन कर देंगे। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि आपके पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान का सूर्य सही सदुपयोग नहीं करने देगा। आपको बल में कुछ कमी का एहसास होगा और दिमाग थोड़ा सा गर्म रहेगा, गुस्सा ज्यादा महसूस होगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपका सील स्वभाव भी थोड़ा सा खराब हो जाएगा। गर्व करने लायक काम करने में भी कुछ कमी का अनुभव करेंगे। गर्व करने लायक काम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो आपके लिए अपयश का भागी बना देगा। आपको जो इसने किया इसलिए ऐसा हो गया, वरना ये तो काम बहुत बढ़िया हो रहा था, ऐसी बातें लोग कह सकते हैं। देवी और सज्जनों, यहाँ से दृष्टि पड़ गई सप्तम भाव पर में। जीवन साथी के साथ भी कुछ ऊंच नीच, कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। काम और वासना, क्या काम और वासना में ज्यादा वृद्धि की संभावना है, ज्यादा वो बढ़ सकता है। देवी और सज्जनों, वैवाहिक जीवन थोड़ा सा प्रभावी होगा सूर्य के प्रथम भाव में बैठने के कारण। अगर आप किसी प्रकार के दैनिक रोजगार, व्यवसाय को कर रहे हैं, वो भी इस समय में बहुत अच्छा नहीं चलेगा। क्या रोजगार और व्यवसाय को अगर आप कर रहे हैं तो वो भी बहुत बढ़िया नहीं चलेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को कुछ शिकायत है, परेशानी है, वो थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि इस समय में आपको कुछ इस प्रकार की परेशानी विशेष परेशान कर सकती है। दुश्मन भी आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। और पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ कोई काम कर रहे हैं तो उस काम में भी आप सतर्क रहें, पार्टनर के साथ वाद विवाद करने का प्रयास ना करें, नहीं तो वहां पर भी स्थिति कुछ विपरीत हो सकती है।
तो देवी और सज्जनों, यही थी मकर राशि फल जनवरी फरवरी 2023 की कहानी जो हमने आपको सुनाई। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक बात बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।